दोस्तों गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हमारी प्रथा है कि हम हर एक एपिसोड में आपको एक जबरदस्त लीडरशिप से मिलवाते हैं, तो दोस्तों आज हम बहुत एक्साइटेड हैं। एक्साइटेड इसलिए हैं कि आज आपको एक ऐसी लीडर से मिलवाना लीडर कपल से मिलवाने जा रहे हैं जो बिलोंग करते हैं लखनऊ से, और उन्होंने लाइफ की शुरुआत करी थी प्राइवेट जॉब के साथ। लेकिन कई साल जॉब करने के बाद उन्हें ये बात समझ में आ गई कि अगर अमीर बनना है तो दूसरे के सपनों को पूरा नहीं करना होगा, अपने सपनों को पूरा करना होगा। और इसीलिए वो लग गए अपने व्यवसाय में। और जैसा कि होता आया है, अपना व्यवसाय भी किया लेकिन कहीं ना कहीं जो बिजनेस की शुरुआत होती है तो उसमें बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत होती है, साथ में अनुभव की जरूरत होती है। तो उसमें भी उन्होंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, लेकिन इत्तफाक से उसी दौरान उनकी लाइफ में मोदी केयर आ गया। और साथ में उनकी जो वाइफ है वो पहले हाउसवाइफ थी लेकिन उसके बाद वर्किंग वुमेन हो गई। आज की डेट में एक फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में एस्टेब्लिश्ड है, अपने शहर की नोन फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आज एक ऐसे जबरदस्त कपल से जिनका नाम है मिस्टर विभोर शंकर सर एंड बरखा शंकर मैम। थैंक्स अ लॉट इस बड़े मौके को आपको देने के लिए। और सबसे पहले तो मैं मोदी केयर को मैं सबसे कहता हूं कि ये एक ईश्वरीय परिवार है। ईश्वरीय परिवार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में मैंने देखा, बहुत नजदीक से काम किया और बहुत सारे लोगों से मिला। ये ऑर्गेनाइजेशन ये ह्यूमन बींग नहीं चला रहा है, इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले सिर्फ एक है, वो है परम शक्ति। और आप देखो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी ऐसी विभूतियां हैं कि जिनको हृदय से सिर्फ सलाम करने को दिल नहीं चाहता है, वो भारत में ही ऐसे विभूतियां संभव है, भारत में ऐसे एग्जाम्पल संभव है। और भारत नई दिशा देगा दुनिया को, वो मोदी की तरफ देने जा रहा है। ये आप लोग देख रहे हो, मैं अपना परिचय आप सबको करा दूं। मैं विभोर शंकर, और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे मोदी की तरफ मिला। कैसे मिला मैं जरूर बताऊंगा। मैं और ये मेरी वाइफ बरखा शंकर, बचपन से मैंने लाइफ में कभी भी किसी को कभी भी गुड नाइट गुड इवनिंग नहीं बोला। मैं हमेशा से बोलता हूँ, जब से मैंने होश संभाला, गुड मॉर्निंग ही बोलता हूँ। और हमेशा से कभी भी बहुत स्ट्रेस में नहीं रहा, हमेशा से खेलने कूदने में बहुत ज्यादा रहा, क्योंकि मेरी फैमिली और मेरे फादर बहुत ही स्पिरिचुअल है, मदर भी स्पिरिचुअल है, सिस्टर तो बहुत ही मतलब क्या बोलूं, नोबल हार्टेड है। बेंगलोर में रहती है लेकिन कभी भी किसी को कष्ट में नहीं देख सकती। तो मैं ऐसे चारों तरफ से घिरा हुआ रहा जहां मुझे सिर्फ मिला ही मिला। और आज भी पूरा परिवार का सपोर्ट रहता ही है, चाहे कुछ भी करूं, गलत भी करूं तब भी रहता है। बहुत सारी गलतियां करी लेकिन कभी भी किसी ने उस पर बहुत ज्यादा मुझे टोका टाकी कभी फैमिली से नहीं मिला। और ऐसा फैमिली मैं ये सबसे जरूर कहता हूं कि ये भाग्यशाली लोगों को मिलता है। ये नेचुरल फैमिली नहीं है, ये नेचुरल फैमिली नहीं है, ये ईश्वरीय परिवार। जब आप महसूस करोगे यहाँ पे आपको वो सहयोग मिलेगा जो कल्पना शायद सतयुग में की जा सकती थी। आपको जीवन में बहुत कम ऐसी जगह मिलेंगी जहां ऐसे सपोर्ट आपको मिलते हैं। और अब मैं अपना वाइफ से भी कहूंगा कि थोड़ा सा ब्रीफ परिचय अपने पास का जरूर दें, क्योंकि शादी से पहले का तो मुझे नहीं पता है, शादी के बाद का मैं आपको दूंगा, वो जरूर मुझे पता है। मैं बरखा शंकर, वैसे मेरा बर्थ बरेली में हुआ था पर तुरंत ही हम लोग झांसी शिफ्ट कर गए थे, और 8th तक की मैंने अपनी स्टडीज झांसी में की, और 8th के बाद 9th से हम लोग लखनऊ शिफ्ट हो गए। तब से मैं लखनऊ में ही हूँ। यहाँ मेरा अपना मायका भी है और ससुराल भी हमारी लखनऊ ही है, तो पूरा परिवार, मायका ससुराल सब लखनऊ में ही है। मोस्ट ऑफ द मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, ये भी अपने घर में सबसे बड़े रहे हमेशा, और मैं भी अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। मैं हम लोग 6 भाई बहन है, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। और बताना चाहूंगी कि मेरे पेरेंट्स भी, मेरे फादर तो सबसे पहले जमशेदपुर स्टील्स में इंजीनियर थे, पर उन्होंने बहुत जल्दी जॉब क्विट कर दी थी और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। और फिर वो काफी साल कॉन्ट्रैक्टर भी रहे, उन्होंने फर्नीचर का भी बिजनेस किया, तो उनका काम ऐसे चलता रहा। और मेरी मदर जो थी वो गवर्नमेंट फिजिकल इंस्ट्रक्टर थी, अब तो रिटायर्ड है सब। और जब शादी हुई मैं यहाँ आई तो मेरी मदर इन लॉ भी
बहुत एजुकेटेड हैं, शुरू से ही स्टडीज की तरफ उनका बहुत ध्यान था, प्रिंसिपल थी स्कूल में, और ऐसे ही बस शादी हुई, यहाँ आ गई, बहुत अच्छा रहा। इनके साथ बिहार पहुंच गई, जिस कंपनी में ये थे तो वहाँ पोस्टेड थे बिहार मुजफ्फरपुर में, और 5 साल हम लोग वहाँ रहे। 1996 में मेरी मैरिज हुई और 2001 में भगवान ने हमको एक बहुत प्यारी सी बेटी गोद में मेरे डाली, और उसके नेक्स्ट ईयर ही हम लोग का ट्रांसफर लखनऊ हो गया। तो जीवन बहुत अच्छा चलता रहा, बहुत बढ़िया चलता रहा, ईश्वर जैसे बहुत अच्छे मिडिल क्लास फैमिली का जैसा चलता है, एक अच्छी सी छोटी गाड़ी भी थी, घर भी अपना था, बच्चे भी अपने थे, इन लॉज भी हमारे साथ थे, और सारा परिवार साथ साथ था। फिर अचानक इनके दिमाग में ये आई, मतलब इनको जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो इन्होंने जॉब 2015 में क्विट कर दी, रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद सोचा कि अब कुछ करना है, तो जब कुछ करना है तो हम लोगों ने रेडीमेड गार्मेंट्स का काम स्टार्ट किया साथ ही साथ। अच्छा, फाइनेंशियल एडवाइजरी में 2007 से कर रही थी, वो मेरा धीमे धीमे काम चल रहा था लगातार। फिर हम लोगों ने रेडीमेड गार्मेंट्स का स्टार्ट किया, और रेडीमेड गार्मेंट्स का साथ करते करते ही भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि ईश्वर ने हमेशा ही बहुत अच्छा दिन मुझे दिखाया, और आज भी बहुत अच्छा दिन दिखा रहा है। जो भी मुझे दिखाते हैं मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ ईश्वर की। और करते करते मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, इसके लिए मैं तहे दिल से समीर मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद उनको देती हूँ कि ये कंपनी मेरी पहली हम लोग की कंपनी थी जो नेटवर्क मार्केटिंग में थी। इससे पहले हम लोगों ने कभी भी किसी कंपनी को नहीं टच किया था, फर्स्ट कंपनी हमारी मोदी कैरी थी, और इसी में हम लोगों ने हमको अपॉर्चुनिटी मिली अपने अप्लायंस बलराम सर और किरण सिंह मैम से, और हम लोगों ने इसको धीमे धीमे टेकअप करना शुरू किया। अच्छा, बीच में मैं ये बताती हूँ कि जब इन्होंने जॉब क्विट करी और हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मोदी केयर हमें मिला, तो सभी ये जानते हैं कि एकदम स्टार्टिंग से इनकम बहुत अच्छी नहीं आती। तो मैं ईश्वर का बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मुझे ऐसी ससुराल मिली, ऐसे इन-लॉज मिले जिन्होंने 100% पूरा हम लोग को सपोर्ट दिया। फाइनेंशियली मेरे फादर इन लॉ ने दिया, और घर की तरफ से मेरी मदर इन लॉ ने बेहद सपोर्ट दिया। उन्होंने हम लोग को फ्री किया कि अभी हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, तुम लोग अपनी मेहनत करो और मेहनत के दम पे आगे बढ़ो। तो दिक्कत तो बहुत होती थी क्योंकि अपने खर्चे निकालने बहुत मुश्किल हो जाते थे स्टार्टिंग में। मेरे फादर इन लॉ नेवी से रिटायर्ड हैं, तो वो अपने हिसाब से फिर घर मैनेज करते थे। तो बहुत बहुत इन सबकी छत्र छाया मेरे पे रही है। मेरे पेरेंट्स भी अभी हैं और मेरे इन दोनों इन लॉज भी हैं, और सबकी छत्र छाया हम लोग के ऊपर बनी हुई है, और धीमे धीमे हम लोगों ने मोदी केयर करना स्टार्ट किया। बाकी ओवर टू विभोर बताएंगे। थैंक यू सर। ये पास तो मैंने आपको बता दिया कि मैं मेरे ऊपर एक एक भगवान की कृपा बहुत ज्यादा है। कोई चीज अगर मुझे फ्यूचर में होनी होती है तो मुझे पहले पता चल जाती है। ये चीजें बहुत कम लोगों को पता है, कम क्या पता ही नहीं है, आज शायद पता चले। जब मैं जॉब कर रहा था तो मुझे मोदी केयर करना है, कंपनी का नहीं पता था, लेकिन 2014 में मुझे पता चल गया था कि मुझे करना है। ये आप लोग को जान के बड़ी हैरानी होगी कि मैं उस समय जॉब कर रहा था, मोदी केयर कहीं मेरे आसपास नहीं था, किसी ने मुझे बताया नहीं था, इस नाम को भी मैं नहीं जानता था, लेकिन 2014 में मुझे ये रियलाइजेशन हो गया था कि अब मैं कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा हूँ। ये सिर्फ एक आदमी को पता है। रात के 9:30 बजे हुए थे और मुझे वो समय भी याद है, महीना भी याद है, जून का महीना था और एकदम महीने का आखिर था, या 30 तारीख रही होगी या 31 तारीख रही होगी, सन 2014। रात का समय था, 10:30 बजे हुए थे। उस समय मेरी वाइफ मेरे साथ थी, बच्चे भी थे। मैंने कहा था उस समय कि अब बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, मुझे पहले से कुछ रिलेशंस होते हैं। जब मैं बिहार जॉब पे जाने वाला था ना, तो मुझे 1994 में मैं गया था, लेकिन मुझे 1992 और 93 से ये सपने आने लगे थे कि कोई ऐसी जगह है जहां बहुत ग्रीनरी है, नदियां हैं, और अगर मकान का एड्रेस पूछो आप विश्वास नहीं करोगे कि तो एड्रेस ऐसा होगा कि ये मिस्टर फला फला पश्चिम दिशा की तरफ, आप जाओगे तो दाहिने मुड़ोगे तो उत्तर में उनका मकान है। इस तरीके के मुझे विजुलाइजेशन होने लग गए थे और मुझे ये नहीं पता था कि मेरी जॉब लगनी है 1994 में, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिजनेस कर रहा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैं काम कर रहा था, कंपलाइशन का उसमें काम चल रहा था, लेकिन ये चीजें मेरे साथ होने लगी थी।
और 1994 जून में फिर मुझे पता चला कि मुझे जॉब लगा है और बिहार जाना है। मैं वहां गया यही हुआ कि जब मैंने ऑफिस किया तो मुझे उन्होंने बताया कि सर पूरब की तरफ चले जाइए, लेफ्ट हैंड साइड में मुड़िएगा और उत्तर दिशा में जो है आपका ये ऑफिस आएगा, कंपनी का नाम नहीं बता रहा, ये ऑफिस आपका आएगा। और जब मैं वहां गया तो बेसिकली जॉब बहुत अच्छा था क्योंकि घूमने फिरने का था, मुझे बातें करने का शौक था, तो मुझे उसी टाइप का जॉब मिला। खूब घूमा फिरा तो बिहार में मेरा पहला जो इंटरेक्शन था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव, आज भी उनसे रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग है। लोगों ने बहुत डराया कि बिहार में ऐसा है वैसा है, और मैं जिस जगह पे था अनजाने में वो बड़ी क्रिमिनल जगह पे शायद मैं रह रहा था, लेकिन मुझे कभी किसी ने तंग तक नहीं किया। और जिन लोगों की वो बात कर रहे थे मैं उनसे इंटरेक्शन भी करता था शायद रात रात में तो मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जब जो चीजें होनी होती हैं मुझे पहले ही एहसास हो जाता है। अब मैं आपको मोदी केयर का बताता हूँ, 2014 की रात थी, 30 या 31 तारीख की बात थी, जून का महीना था, ऊपर में आराम से लेटा हुआ था। कुछ दिनों से मुझे एहसास हो रहा था कि कुछ चेंज होने वाला है, कुछ कुछ बदलने वाला है, लेकिन उस दिन से मुझे मजबूर कर दिया ये बताने के लिए, मैंने वाइफ को बताया कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, समझ में नहीं आ रहा है और लेकिन कुछ बहुत ड्रेस्टिक और बहुत बड़ा होने वाला है, यही मेरे शब्द थे, आज तक मुझे याद है। लेकिन क्या होने वाला है, कैसे होगा, ये नहीं समझ में आ रहा था। और ये भी समझ में आ रहा था कि कुछ इतना बड़ा होगा कि जिसमें ये मुझे दिखता है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हम हैं, तो चेहरे नहीं दिखते थे, चेहरे बड़े धुंधले से थे, और बहुत बड़ा हुजूम है उसके साथ हम लोग चले जा रहे हैं, वो रास्ता भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत बड़ा ये मुझे समझ में आ गया था चेंज है। 2014 आराम से गुजरा, कुछ नहीं हुआ, 4-6 महीने हो गए, मैं सोचता था ये क्या चीज हो रही है, क्यों होने वाली है, मुझे कुछ इसका रिप्लाई नहीं मिल रहा था। फिर 2015 भी आ गया, तब भी कुछ नहीं हुआ, जनवरी भी आ गया तब भी कुछ नहीं हुआ, फरवरी भी आ गया तब भी कुछ नहीं हुआ, मार्च भी आ गया तब भी कुछ नहीं हुआ। मैं सोचता रहता था यार क्या पड़ा होने वाला है, नौकरी में तो हो नहीं सकता, इतने बड़े लोगों के साथ में जा नहीं सकता, ये कहाँ क्या चीज होने वाली है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर कुछ मैंने बताया ना कि ये गॉडली फैमिली है सर, यहाँ भगवान चुन चुन के लोगों को ला रहा, यहाँ हम नहीं सिलेक्ट किसी को कर रहे, मैं किसी को सिलेक्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकता, मेरी इतनी ताकत नहीं है, मैं किसी को कन्विंस भी नहीं कर सकता, मेरी इतनी ताकत नहीं है कन्विंस, मुझे भगवान पे बहुत विश्वास है, और ना ही मैं किसी को बता सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जब तक देखिए ईश्वर का आशीर्वाद है तब तक है ये महान है, क्योंकि कितने राजा महाराजा आए, कितने पूंजीपति आए, वो एक समय में बहुत बड़े साम्राज्य के शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं और यह ईश्वरीय शक्ति ऐसी होती है, अगर हम विचारों से पवित्र नहीं है, अगर हम ईमानदार नहीं है और अपने आप के प्रति निष्ठावान नहीं है, आस्थावान नहीं है, तो हम अपनी ताकत से तभी तक चल सकते हैं जब तक हम चल रहे हैं या ईश्वर हम पे कृपा दृष्टि बनाए हुए। जिस दिन से वहां से कृपा दृष्टि हटती है तो सारी चीजें बिखर जाती है, कितनी भी ताकत हो। आप लोग के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस लोग, आप लोगों ने देखा है कि कहां से कहां आसमान से एकदम फर्श पे लोग आ जाते हैं और आ भी रहे। तो वो 15 आने के बाद 2000 कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, कोई दबाव नहीं था मेरे ऊपर, लेकिन मैंने फ्रिक्शन ऑफ सेकंड लगा था, घर पे किसी को नहीं पता था, वाइफ को भी नहीं पता था, किसी को कुछ नहीं पता था। 13 मार्च सन 2015 मैं अपनी चेयर पे बैठा, मुझे बहुत मतलब एक करंट सा महसूस हुआ। तो मैं बात बहुत करता हूँ भगवान से, मैं आपको सच्चाई से बता रहा हूँ, मैं बात बहुत करता हूँ। मैंने कहा क्या करना है, तो वहां से टचिंग से सब फील हुआ। उसने कहा कि नहीं अब नहीं, अब ये काम नहीं करना। तो मैंने कहा क्या करूं, तो मुझे आंसर मिला कि नहीं आप इसको छोड़ो, बाकी काम भी बहुत सारे करने हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने तुरंत रिजाइन लेटर बनाया, उस पर साइन किया और घर चला आया, आराम से घर पे आया। शाम को वाइफ ने कहा कहाँ चलना है, मैंने कहा चलो घूमने चलना है, कुछ यार बड़ा होने वाला है, अब घूमने चलना है, क्योंकि इनको नहीं पता था कि मैंने रिजाइन कर दिया है। मैंने कहा चलो घूमने चलते हैं, मैं घूमने के लिए निकल गया। रास्ते में मैंने बताया कि मैंने कंपनी को रिजाइन कर दिया,
मैंने कहा, मैंने कहा हाँ मैंने कंपनी को रिजाइन किया, क्या करोगे? मैंने कहा पता नहीं क्या करना है। मैंने कहा यार ये कुछ पता चल रहा है क्या करना है, लेकिन क्या करना है ये पता नहीं चल रहा। तो घर पे आए, खाना वाना खाया, आराम से सो गए सब लोग, किसी को पेरेंट्स को भी नहीं पता था। अगले दिन सुबह जब ऑफिस ही नहीं गए जा ही नहीं सकते थे, तब फिर सबको धीमे धीमे पता लगा चला गया। सबने कहा कि क्या बेवकूफी कर दी, लेकिन मुझे बहुत विश्वास है, मुझे बहुत विश्वास है उस शाश्वत सत्ता पे। क्योंकि आज तक आप विश्वास करो, हम लोग बहुत घूमे हैं, हमने बचपन से बहुत एंजॉय किया है, शादी के बाद भी बहुत एंजॉय किया है, कोई जगह नहीं छोड़ी जहां हम हिंदुस्तान में घूमे ना हो, साउथ को छोड़ करके पूरी पूरी सब जगह घूमे हैं। और मुझे पैसे की प्रॉब्लम लाइफ में कभी नहीं, कभी नहीं हुई, पता नहीं क्या बात है, ये मुझे नहीं समझ में आता है। या तो मेरे माता पिता की आध्यात्मिकता की वजह से, या उनके मतलब जो उनकी गाइडलाइन है, जो लोग बताते हैं वो बहुत ही आप समझो वही होता है जो हमने कभी अपने पुराणों में या हिंदू संस्कारों में उस चीजों को पढ़ा है, बहुत ही हाई वैल्यूज जिसको आप कह लें। तो मुझे पैसे की प्रॉब्लम कभी नहीं रही, लाइफ में कभी नहीं रही, अभी भी कभी नहीं रही। तो फिर पता चला कि जॉब ही छोड़ दिया है सिस्टर को पता चला तो वो भी परेशान हो गई। मैंने कहा नहीं होगा, जब वहां से डायरेक्शन आया है तो कुछ ना कुछ बड़ा होगा। तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, सिस्टर मेरी उस समय पुणे में थी तो उसने वहां बुला लिया। मैंने कहा चलो 15 दिन चलते हैं, वहां भी आराम करेंगे। मैं 15-20 दिन खूब अपना बॉम्बे गया, रेस्ट किया, कैसे काम करना है, फिर ये सोचा, फिर ऑल ऑफ अ सडन रेडीमेड गारमेंट्स का काम शुरू हो। उसके बाद मोदी केयर कैसे मिला मैं बताता हूँ, रेडीमेड गारमेंट्स का काम मुझे समझ भी नहीं आया यार, इससे भीड़ भीड़ बन ही नहीं। एक दिन मैं अपने काम से बाहर था, अब मोदी केयर आया, आप देखो कि कैसे भगवान अपने जिनको कह लो कि चुनिंदा रत्न है सारे के सारे मोदी केयर में, एक से एक बड़े रत्न है, हाई वैल्यूज वाले लोग हैं यहाँ पर। यहाँ पे अगर गंदगी आ भी गई ना वो रुक नहीं सकती, वो अपने आप साफ हो जाएगी। मैंने सिर्फ सुना था कि देवदूत होते हैं, देखा कभी नहीं था, पढ़ा कभी नहीं था, पढ़ा था सॉरी देखा कभी नहीं था। और आज उनको देख रहा हूँ समीर मोदी जी को, कि मुझे लगता है कि हाँ यहाँ देवदूत नहीं है, देवदूतों की असंख्य संख्या है। ईश्वरीय परिवार में इसीलिए इसको बोलता हूँ, यहाँ पे सब प्योर हार्टेड लोग हैं, और जो चलाकी करेगा ना वो चलाकी से अपने आप साइड हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा वो कब मोदी केयर से बाहर हो गया। और मोदी केयर आया ऐसे कि मैं घर से बाहर था, मोदी केयर बताने के लिए घर ही में एक पास में रहते हैं अलका जी और आदर्श जी, वो बलराम जी को लेकर के आए थे घर पे, मैं नहीं था उस समय। और वो आगे कुछ डेमो इनको दिखा के चले गए, बस जस्ट उसमें इसके अलावा कोई और बात नहीं हुई। ये बात है जून 2017 की, वो आए उनके माध्यम से बताया और चले गए, बस उसके बाद हमारी और बलराम जी से फिर महीनों 1.5 महीना हो गया कोई बातचीत नहीं हुई। तो कंप्यूटर पे मैं कुछ काम कर रहा था, एक दिन कोई पिक्चर फ्लैश हुई तो बरखा ने कहा कि यही है, यही है, इसी के बारे में वो बता रहे थे। तो मैंने फिर उस पर रिसर्च करना शुरू किया, फिर बलराम जी को बुलाया, बलराम जी किरण जी आए। तो सबसे पहला थैंक्स अगर किसी को जाता है भगवान के बाद तो बलराम जी और किरण जी हैं, जिन्होंने इस बिजनेस को, और आदर्श जी अलका जी, इस बिजनेस को वो ईश्वर के देवदूत के रूप में आए। और हर आदमी यहाँ पे ईश्वर का देवदूत है जो किसी को बिजनेस बता रहा है, क्योंकि ये बात एकदम सही है, आप नोट कर लो डायरी में, ये बहुत बड़ा गॉडली फैमिली है। इससे बड़ा गॉडली फैमिली अगर कहीं आपको देखने को मिलेगा तो वो आप बात कर सकते हो श्री श्री रविशंकर की या बाकी आध्यात्मिक गुरु जो है, लेकिन ये बहुत बड़ा गॉडली फैमिली वर्ल्ड के लिए सामने हम एक मिसाल बनने जा रहा है, एक एग्जाम्पल बनने जा रहा है, आने वाले समय में बनेगा ही, आप सब देखोगे और हम भी देखेंगे। तो इनके माध्यम से इसको मुझे पता चला, और इनको मैं सिर्फ हृदय से धन्यवाद नहीं देता हूँ, बलराम जी किरण जी को, मैं वास्तव में इस फैमिली के हर सदस्य को देवदूत मानता ही मानता हूँ, क्योंकि ये देवदूत से कम नहीं है। ये जो आपने सुना होगा कि 31 करोड़ देवी देवता थे, ये 31 करोड़ देवी देवता बन रहे हैं, सामने आ रहे हैं, 33 करोड़ सॉरी 33 करोड़ ये आ रहे हैं, यही विश्व के परिवर्तन के निमित्त हैं आने वाले समय में। और इनको जितना आप दिल से नमन कर सकते हो एक एक व्यक्ति उतना करे, ये ऐसे ये इतिहास दोहराया नहीं जा रहा है, ये 5000 साल के बाद इतिहास रिपीट हो रहा है, 5000
फिगर मैं किसी और दिन डिस्क्लोज करूंगा, मैं क्यों कह रहा हूँ, ये पृथ्वी सृष्टि की संरचना परिवर्तित हो रही है, आप सब देख रहे हो। और ये परिवर्तन, एक नाम आपने सुना है जो परिवर्तन आप मोदी केयर में करते हो, ये परिवर्तन विश्व परिवर्तन है, इसको आप जान लो, ये होने वाला है और ये हो रहा है। तो ये बलराम जी और किरण जी के माध्यम से हुआ, बहुत मेहनती, बहुत जुझारू, इसलिए आपको यहाँ एक एक कहानी बहुत ही यूनिक मिलेगी। इन दोनों लोगों को मैं फिर से मतलब हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, ये बहुत ही मेहनती है, क्योंकि उस समय हमें बताने वाला कोई नहीं था करना क्या है। मैं दिल्ली जाता था, वहां पे मुझे पता चला कि इसकी ट्रेनिंग्स होती हैं, वहां पे मैंने इन ट्रेनिंग्स को लेना शुरू किया और एमएससी गया, ऑफिस गया तो पता चला कि लाइफ स्टाइल से मुझे ये डेट्स हैं, इस डेट्स पे होती है। तो मुझे जब अपना रेडीमेड गार्मेंट्स का काम करना होता था तो ट्रेनिंग के मॉड्यूल को मैं शेड्यूल करता था, क्योंकि लखनऊ में उतनी ट्रेनिंग उस समय नहीं हो रही होती थी। तो वहां पे अनिल सेठ सर और बाकी लोगों से मेरा इंटरेक्शन होना शुरू हुआ, और 22वें जन्मदिन पे मोदी केयर के साई ऑडिटोरियम में वो प्रोग्राम हुआ था, समीर मोदी सर आए थे, मैं वहां पे पहुंचने वाला सबसे पहला आदमी था। वहां पे अनिल सेठ सर थे दूसरे आदमी, और दो लोग और थे जो अंदर डेकोरेशन कर रहे थे। मैंने कहा सर मैं आया हूँ लखनऊ से, अब यहाँ तो पहुंच गया हूँ, बताइए मैं बैठूंगा। तो कहने लगे अभी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, आप अपना बैग रख दो। तो मैंने बैग वहीं अंदर चेयर पे रख दिया, और वो सेलिब्रेशन जब मैंने देखा तो आप यकीन जानो कि उस दिन मुझे एहसास हो गया कि ही इज नॉट अ मैन, ही इज अबव द मैन। वो अपने हाथ से केक काट के अपने प्यून को ही नहीं खिला रहे थे, उस हॉल में एक एक आदमी के पास गए, सबको उन्होंने अपने हाथ से केक खिलाया। ये आप महसूस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये छोटी चीज नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चीज है कि 70,000 करोड़ का मालिक वहां पे हम जैसे लोगों को जो कि लाखों में भी नहीं है, उनको स्टेज से उतर के एक एक आदमी को मुंह में केक डाल के, हाथ में नहीं मुंह में केक डाल के खिला रहे थे। आप सोच सकते हो कि किस डिग्री का और किस लेवल का उनका डेडिकेशन मोदी केयर के लिए है, और ये यही अट्रैक्शन हमें खींच के ला रहा है। और मुझे उस समय एक लाइन दिल में आई थी, वो मैं आपसे शेयर कर दे रहा हूँ, जो मुझे दिल में आई थी कि सूरज नहीं बन सकते तो दीपक बन जाना, भगवान नहीं बन सकते तो इंसान बन जाना। हाथ जोड़कर निवेदन है, सुन लो मोदी केरियर वालों, मरते समय भी एक आदमी को मोदी केयर जरूर बता दो। अगर आप मर भी रहे हो ना यार, तो एक आदमी को अगर बता दोगे तो वो इस कायनात को पलट के रख देगा, क्योंकि हमें नहीं पता कौन क्या कर सकता है, हमें नहीं पता। लोग मुझसे कहते हैं कि ये गरीबी हटाने का कार्यक्रम नहीं है, यस ये गरीबी हटाने का कार्यक्रम है। ऐसे मैंने कमिट किया हुआ है कि ऐसे लोग सामने आएंगे और मैं लेकर के आऊंगा, आप देखना, जो मतलब जिनके पास कुछ नहीं है, पैसा है ही नहीं, लेकिन वो चीजें यहां होंगी। अगर आपको विश्वास ना हो तो गरीबी से विश्व पटल पे कैसे पहुंचा जा सकता है, एक वीडियो YouTube पे आज रात को जरूर देखना, तब आपको विश्वास होगा कि यहाँ भगवान है और वह कैसे काम कराता है, तब आपको विश्वास होगा। उनका नाम है सिद्धू ताई, सिद्धू ताई को आप YouTube पे सर्च करना, और आपने बहुत सारी अभी चीजें सुनी होंगी द सीक्रेट के बारे में और जिग जैगलर के बारे में, नेपोलियन हिल के बारे में, लेकिन वास्तव में ईश्वर कैसे काम कराता है ना, आपको मोदी केयर करने का कल से नजरिया बदल जाएगा। सर आप सिद्धू ताई को आज रात में जरूर देखना कि कैसे 20 साल की एक लड़की जिसको सबने ठुकरा दिया और उसने अपनी रोटियां पता है कहाँ बना के खाई, शमशान के जलते शव के ऊपर, और कैसे वो पूरे वर्ल्ड में छा गई। आज आपको उस स्टोरी को जब सुनोगे ना तो आपको मोदी केयर करने का नजरिया बदल जाएगा, आपकी मिथ खत्म हो जाएंगी कि बिना पैसे वाले लोग इस बिजनेस को नहीं कर सकते। बिना पैसे से आप, हम रिजेक्ट कर रहे हैं ना यार, हम रिजेक्ट करने वाले होते कौन है, जब भगवान ने उसको भेजा हुआ है तो मैं तो किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकता, मैं किसी को बता भी नहीं सकता। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, मैं जब किसी को बताने जाता हूं तो मैं सबसे पहले कॉल करता हूं, भगवान अब ये तुम्हारा बच्चा है, मेरे इतनी शक्ति नहीं है, अब क्या समझाना है
क्या बोलना है, अब ये प्लेटफॉर्म तुम्हारा है, शरीर से मैं यहाँ पर हूँ लेकिन अब काम तुम्हारा है क्योंकि बच्चे तुम्हारे हैं। हर एक व्यक्ति के दो पिता हैं, अभी तक आप एक ही पिता को जानते हो लेकिन हर व्यक्ति के दो पिता हैं, एक जिसने जन्म दिया और एक आपका परम पिता परमात्मा जिसको बोलते हो वही पिता, सबके बच्चे हैं। इसीलिए मैं इसलिए ईश्वर फैमिली बोलता हूँ, और मैं किसी को भी इवन मेल भी करता हूँ तो ये ब्रदर या सिस्टर से ही संबोधित करता हूँ। और ये परंपरा आपको भारत में ही मिलेगी कि नाम के आगे श्री और श्रीमती लगाया जाता है। श्रेष्ठ, हर व्यक्ति जब श्रेष्ठ है तो मैं रिजेक्ट करने वाला किसी को हूं ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। हर व्यक्ति जब श्रेष्ठ है क्योंकि ये परंपरा भारत की है, तो ये जो चीजें हैं ये शाश्वत है, सत्य है, ये प्रमाणित है, इसको आप नकार नहीं सकते। मैं नकार नहीं सकता, मैं नकार नहीं सकता। और मैं जब भी निकलता हूं ना, ये बात किसी को नहीं पता, सिर्फ वर्षा को पता है, आज मैं आपको बता दे रहा हूं। मैं जब भी निकलता हूं तो हाथ कहता हूं आ जाओ, अब हमारे चलने का समय आ गया, और मैं उस शाश्वत शक्ति के साथ साथ निकल जाता हूं। और आपको सर एक विश्वास होगा, जब सिद्धुताई देखोगे कैसे ये शक्ति काम करती है और करवाती है, आपका विश्वास बिलीव लेवल तो यहां पर होगा ना, वो आपके दिमाग को झकझोर के रख देगा। मरने वाली थी 2 सेकंड पहले, उसी भगवान ने उसको कैसे बचाया, आपका विश्वास उस शक्ति पे बढ़ जाएगा। इतना जान लो कि इस वीडियो को आप जरूर देख रहे हैं, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, और अब तो साइंस इसको प्रूव कर रही है। अब बाकी चीजें मैंने आपको बता दी, मैं मोदी केयर में क्यों आया, इसलिए आया, मेरा मोदी केयर करने का अब नजरिया पूरा तरीके से चेंज हो चुका है। मैंने इसको टेकअप सीरियसली नहीं किया था उस समय, लेकिन अब मैं इसको एकदम डिफरेंट तरीके से कर रहा हूँ। और अब मैं अपनी वाइफ से कहूंगा कि वो बाकी आगे की चीजों को शेयर करे प्लीज। फ्रेंड्स देखिए, मोदी केयर में तो हम आ गए थे, लेकिन हुआ क्या कि कुछ कम्युनिकेशन नहीं रहा, क्योंकि मुझे ये इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं था। मेरी पहली ये कंपनी थी, मैंने कभी कुछ सोचा नहीं था, बस ये अपॉर्चुनिटी आ गई, बलराम सर मुझे बता के चले गए, ये रात में आए, मैंने इनको बताया तो इनको भी कुछ पता नहीं था, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है मैंने कहा, इन्होंने सुन लिया। कुछ दिनों बाद कंप्यूटर पे एकदम से मोदी केयर फ्लैश हुआ, जब फ्लैश हुआ तो मैंने इनसे कहा कि देखो ये वही कंपनी थी जो वो आके बताए थे हमको। अच्छा, क्योंकि बलराम सर उस समय मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, तो मैंने बताया वो जो आए थे वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने आके बताया था, तो इनको भी कुछ समझ में नहीं आया कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, कोई दूसरी चीज आके बता रहा है, मतलब कुछ भी समझ में आया नहीं। लेकिन फिर मैंने इनसे कहा कि देखो भी वो जो दिखाए गए डेमो, एक्चुअली वो डेमो जो थे ना, वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं घुस गए थे, मतलब मुझे लग रहा था कि कुछ अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है, अगर अच्छी चीज है तो हमें उसको देखना चाहिए। अच्छा, अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम है इनसे, मतलब मुझे एकदम से समझ में नहीं आता, मैं इन्हीं से हर बात पूछती हूँ कि अच्छा बताओ ये चीज थी तो ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ, या उन्होंने ये बात कही तो ऐसे क्यों कही होगी। तो मैंने इनसे कहा कि देखो वो जो दिखा रहे थे आके ना, वो चीजें मुझे अच्छी लगी। तो इन्होंने कहा अच्छा उनको कॉल करो, तो मैंने कॉल किया, तो 1.5 महीना ऐसे ही निकल गया कि मैं जब उनको कॉल करूं तो कभी वो फ्री नहीं थे, और कभी वो उनका फोन आया तो ये फ्री नहीं थे। और मैं ये चाह रही थी कि मेरी बात ये समझ नहीं पा रहे हैं, तो जो मुझे दिखाने आए थे बलराम जी, वो ही इन्हें डायरेक्ट दिखाएं तो इनको समझ में आए वो चीज। खैर, करते 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 2.5-3 महीना निकल गया, फिर एक दिन आमना सामना हुआ, बल्कि थोड़ा सा गुस्सा भी हुआ कि हम आपको बुलाते हैं तो आप आते नहीं है, क्योंकि इनको तो कुछ पता ही नहीं था। तो खैर, इन्होंने भी डेमो वेमो देखे सब, इनको समझ में आई चीज। तो हम उससे हमारा हुआ क्या कि रेडीमेड गार्मेंट्स पे तो हमारा 100% फोकस था ही था, क्योंकि हम वो काम कर ही रहे थे, वो मेरी एक्टिव इनकम थी। तो उसके बाद जो था, हमने सामान लेना शुरू कर दिया, हमने यहाँ के प्रोडक्ट्स खरीदने शुरू कर दिए। अच्छा, इस बीच हुआ क्या कि देखिए, अभी किसी को भी घर में चीज समझ में नहीं आई थी तो कोई भी कुछ इस पे रिएक्शन नहीं करता था, तो हम बहुत ज्यादा शो नहीं करते थे घर में भी सबको, और हम लोग वो प्रोडक्ट्स धीमे धीमे यूज करने लगे। तो हमारा जो अपना बेडरूम है वो हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है, तो हम वहीं पर अपने प्रोडक्ट्स रखते थे और यूज करते थे। आज मैं इस पर डिस्क्लोज कर रही हूँ, मेरे पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे, समय लॉस। तो हम लोग यहाँ लाते थे, रखते थे, और 2-4 लोगों का सामान भी हमने मंगवाना शुरू कर दिया, 2-4 लोगों को बताया तो उनका सामान अपने घर ले आते थे, क्योंकि डीपीस ज्यादा थी नहीं, तो एक डीपीस जाके हम ले आते थे। तो करते 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 धीमे धीमे 4-5-6 महीना बीत गया,
इसी बीच हमने जो था, मेरी एक फ्रेंड है, मेरी मतलब बचपन की फ्रेंड है, हम लोग साथ में पढ़े हैं, पल्लवी, वो भी इस समय प्लेटिनम लेवल पे ही है, तो मैंने उसको बताना कुछ कुछ शुरू किया, तो वो उसको समझ में नहीं आया क्योंकि वो थोड़ा सा ए नाम की कंपनी से एसोसिएट थी उस समय, तो उसको बताया, ज्यादा उसको समझ में, उसने कहा कि क्या करती रहती हो, व्हाट्सएप मुझे भेजती रहती हो, बताओ क्या है ये, क्या भेजती रहती हो, तो हमने कहा अच्छा बताते, हमने विभोर से कहा, हमने कहा कि चलिए उनके घर चलते हैं, उसके घर पल्लवी घर, और उसको चल के समझाते हैं बताते हैं। खैर वहां जाके पहुंचे, हम लोगों ने डेमो दिखाया, उसको समझाया, तो उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में चीज समझ में आ गई कि जहां मैं 3-4 साल से लगी हुई हूँ, मैं कुछ कमा नहीं पा रही हूँ, और वहां क्यों, यहाँ के प्लान में बहुत अंतर है, उसको डिफरेंस समझ में आ गया तुरंत। मतलब मुझे तो नहीं आया क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन उसको चीज समझ में आ गई। उसने तुरंत इनसे कहा कि भैया आप जो कह रहे हैं वो सब ठीक है, मुझे अभी एसोसिएट करिए। इन्होंने तुरंत उसको रजिस्टर किया, और उसी से मैंने काफी कुछ चीजें सीखी, मैं सच बताऊं आपसे उसी से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, क्योंकि वो मेरी बचपन की सहेली थी, फ्रेंड थी, और मैं उससे हर बात पूछती रहती थी, और वो मुझे हर बात बताती रहती थी। तो करते 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 धीमे धीमे ये शुरुआत शुरू हो गई, और हमने धीमे धीमे लोगों को बताना शुरू करा, फिर मैंने अपने अपने भाई बहनों को बताना शुरू करा, इन्होंने अपनी बहन को बताया, धीमे धीमे लोगों ने सामान लेना शुरू कर दिया और उसको यूज करना शुरू कर दिया। अब प्रॉपर नेटवर्किंग कैसे होती थी, ये इस चीज का ज्ञान हम लोग को बिल्कुल कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस बता दे, क्योंकि मेरा फोकस जो था वो अपना रेडीमेड गारमेंट्स की बिजनेस पे रहता था। तो करते 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 जो थे 3-4 महीने बाद मैं डायरेक्टर हो गई। तो जब मैं डायरेक्टर हुई तो मुझे याद है कि जिस दिन मैं डायरेक्टर हुई थी, ये दिल्ली गए हुए थे, मेरी मदर इन लॉ का एम्स में ऑपरेशन था आंख का, तो ये उनको लेके गए हुए थे, मैं घर में थी अपने फादर इन लॉ और बच्चों के साथ में, मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों के साथ में घर में थी। तो रात के 9 बजे किरण सिंह मैम मेरे घर आई एक लड़के के साथ में, क्योंकि वो भी अकेली रहती हैं यहाँ पर आई, और वो इतना खुश थी मेरे डायरेक्टर होने से कि मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब मुझे तो एहसास ही नहीं था इस बात का कुछ, वो इतना खुश हुई, कह लेंगे बरखा मैम आप पहली डायरेक्टर हुई है मेरे नीचे। तो मतलब मैं आज वो खुशी महसूस कर पाती हूँ जब मेरे नीचे लोग डायरेक्टर होते हैं। तो तब मुझे समझ में आया कि ये मतलब कितना ग्रेट बिजनेस है, कितना है, क्योंकि उस समय ज्यादा मीटिंग्स वीटिंग्स होती नहीं थी। फिर धीमे धीमे हम लोगों ने लोगों को बताना शुरू करा, बलराम सर ने काफी कुछ डेमोस किए हमारे, दूसरे लोगों को बताए समझाए, और किरण सिंह मैम का तो इनमें मुझे पग पग पर उन्होंने साथ दिया है, मेंटली भी फिजिकली भी सभी तरीके से साथ दिया है। हालांकि उम्र में वो मुझसे कम से कम 15 से 20 साल जरूर छोटी होंगी, इससे कम नहीं छोटी है, मैं काफी बड़ी हूँ उनसे। और धीमे धीमे करते 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 आज मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, कम से कम 31-32 डायरेक्टर्स हैं, 10 से 12 सीनियर डायरेक्टर्स हैं, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और एक प्लेटिनम डायरेक्टर हम लोग के टीम में है। और इसी तरीके से हम लोग धीमे धीमे ये काम करते चले जा रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है, और इसका पूरा श्रेय मेरे इन लॉज को जाता है, क्योंकि वो पूरा घर ढंग से अच्छे से संभाल रहे हैं। मेरी बेटियां कब स्कूल से आती हैं, कॉलेज से आती हैं, तो मुझे फिक्र नहीं रहती इस बात की कि मैं इनके साथ में लगी हूँ। उन्होंने मुझे फ्री कर दिया है कि नहीं बेटा तुम लोग बिजनेस डेवलप करो, क्योंकि अब तुम्हारा समय यह है कि तुम्हारे बच्चों को अब बहुत ज्यादा बड़ी पढ़ाई के लिए भी अब बहुत ज्यादा बड़े पैसे की जरूरत पड़ने वाले है। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि हमको अब जो अपने जीवन के काम करने हैं वो पाएंगे, क्योंकि बच्चों की पढ़ाइयां बहुत बड़ी होने वाली हैं। ऑलरेडी मेरी छोटी लड़की ने 10th पास किया है इस साल CBSE बोर्ड से, अपने कॉलेज में टॉप किया है उसने, बड़ी बेटी लखनऊ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रही है। तो दोनों की पढ़ाइयां बड़े बड़े लेवल पे जाने वाली हैं, बड़े बड़े उन लोग के विजन हैं, बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं उन लोग के कि उनको कहाँ कहाँ पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। अब ये ऊपर वाला जाने कि उसको कैसे कैसे कराना है, क्या क्या कराना है। अभी तो बहुत बढ़िया इनकम नहीं है मैं सच कहूंगी, लेकिन ईश्वर भी जानता है और मुझे भी पूरा पक्का विश्वास है, पूरा 100% चीज का विश्वास है कि हम लोग बहुत अच्छी इनकम पे एक दिन पहुंचेंगे और लगातार बढ़ते ही बढ़ते रहेंगे। और हमारे सपने, ईश्वर ने सारे सपने मेरे वैसे पूरे करे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं रही कभी, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, जैसे एक अच्छी मिडिल क्लास फैमिली चलती है वैसे चलती रही। ईश्वर दिया हुआ घर गाड़ी घोड़ा सभी कुछ था, थोड़ा थोड़ा सब चीज थी, तो कोई मुझे ऐसी कभी दिक्कत नहीं रही। लेकिन ये था कि हाँ, फॉरेन घूमने का मुझे भी बहुत शौक है, ये बात सही है, मैं कभी बसना नहीं चाहती कहीं, लेकिन मुझे घूमने का बहुत शौक है। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं कम से कम इंडिया मैंने बहुत देखा है, लेकिन मैं बाहर भी घूमू,
और वो मैं मोदी केयर के दम पे ही घूम पाऊंगी ये मुझे पता है, नौकरी के दम पे मैं कभी घूम नहीं पाती बाहर। तो विदेश में जरूर घूमूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी भी बाहर, अच्छे से अच्छी इन लोग को एजुकेशन दूंगी। और ईश्वर के रूप, ईश्वर ने बहुत बड़ा वरदान मुझे दिया मेरी दो बेटियों के रूप में कि मुझे कभी भी पढ़ाई के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ा, दोनों ही शुरू से अपने आप पढ़ती हैं, अपना सारा काम अपने आप करती हैं, मुझे कभी भी पढ़ाई के लिए कुछ भी कहने की जरूरत, अपने आप ही कर कुछ नहीं, दोनों अपने आप पढ़ती हैं, अपना सब काम करती हैं और अपनी दादी इसको बेहद चाहती हैं और अपने दादू को, जो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है कि बच्चे मेरी कमी कभी महसूस कर नहीं पाते हैं अगर मैं घर में नहीं होती हूँ, क्योंकि मैक्सिमम 90% में इनके साथ मुझे निकलना ही पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का बिजनेस है। सभी लोग जानते हैं कि जब हम लोग दोनों लोगों को एक साथ समझाते हैं बताते हैं तो ज्यादा बेटर होता है। तो ऐसे ही हमारा काम चल रहा है, ऊपर वाला चला रहा है, मैंने उसके अपनी गाड़ी जो है उसके हाथ में दे दी है कि भगवान तुम्हें ही सब कराना है, अभी भी तुम करा रहे हो, पिछला भी तुमने कराया और आगे भी तुम कराते रहोगे। और कुछ बताया था आपके फ्यूचर? मेरा सर सोचने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं चीजों को इस तरीके से नहीं लेता हूँ। दो जगह पे लोग कंफ्यूज करते हैं, वो होता क्या है कि मान लो आपको हमें हमने चाहा कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे बड़ा मकान चाहिए, मुझे बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाना है, तो ये सक्सेस नहीं है, ये सक्सेस नहीं है, ये हमारी पर्सनल इंडिविजुअल ग्रोथ है। ग्रोथ और सक्सेस में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, वो ग्रोथ को सक्सेस मान लेते हैं। सक्सेस अगर आपको को ऑब्जर्व करना है तो अभी मैं February 2020 में दिल्ली गया था, मैं अक्षरधाम कई बार गया, इस बार अकेले गया था, मैं फिर से अक्षरधाम गया। अब आप देखो कि सक्सेस क्या होता है, मैं उस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक आप व्यवसाय को व्यवसाय मानकर करोगे तो वो इंडिविजुअल ग्रोथ दे सकता है, सक्सेस वो नहीं दे सकता। मैं फिर से अक्षरधाम गया, मुझे काम दूसरा था लेकिन मैं जबरदस्ती अक्षरधाम मंदिर पे मेट्रो से उतरा और अकेले ही गया, क्यों गया उसका रीजन मैं बता रहा हूं। वहां पे 1200 लोग हैं काम करने वाले, आप वहां के एंट्रेंस से लेकर और पूरी जगह, इस बार जब आप भी जब भी जाना आप अक्षरधाम जरूर जाना, आप देखना कि कितनी सारी चीजें कितनी सिस्टमैटिक है। वो बिजनेस नहीं कर रहे, वो आपसे पैसा भी नहीं मांग रहे, तो आखिर क्या ऐसा है जो उस तरीके का मैनेजमेंट और इतने सारे लोगों को एडॉप्ट करना। मैंने एक एग्जांपल दिया था सिद्धू ताई का, आज की डेट में उनके 2000 बेटे बेटियां हैं, वो किसी से पैसा नहीं लेती है। अब आपको समझ में आएगा सक्सेस और ग्रोथ में डिफरेंस। मेरा जो सोचने का तरीका है, मोदी केयर को करने के पीछे जो ऑब्जेक्ट है, तो अक्षरधाम मंदिर में जैसे ही आप एंट्रेंस करोगे वहां पे आप मैनेजमेंट का लेवल देखना किस लेवल का, और एक एक चीज पैसा आता है वहां लगा हुआ, कहां से आता है आपको पता नहीं चलेगा, कौन देके जाता है ये भी नहीं पता चलेगा, लेकिन ये हो रहा है। कैसे हो रहा है, इसको अगर हमने एडॉप्ट कर लिया तो फिर हमारा थॉट प्रोसेस जो है, सोचने का नजरिया जो है, दृष्टिकोण जो है, मोदी केयर को करने का बदल जाएगा। जब तक हम बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करेंगे तब तक हम अपनी ग्रोथ करेंगे। जिस दिन हम बिजनेस को सेवा के भाव से करेंगे, आप हिंदू मैथोलॉजी में एक कहावत है कि जो करो वो मन से करो, उसमें लाभ हानि नहीं देखो, उसमें अपना पूरा दे दो, लाभ होगा या हानि होगा अगर ये कैलकुलेट करा तो हमारी पर्सनल ग्रोथ होगी, लेकिन अगर हमने उसको मन से किया तो लोग फिर हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे सर। वो हमें, दुनिया चलती है जब लोग चीजों को देखते हैं, और भगवान की चीजें चलती हैं जब आप भगवान को मानते हो। आप किसी ने भी भगवान को देखा नहीं है लेकिन आप मानते सब हो। जितने भी दुनिया में मंदिर हैं ये व्यवसाय नहीं करते, जितने भी दुनिया में आध्यात्मिक सेंटर है, ट्रूली आध्यात्मिक सेंटर, ये व्यवसाय नहीं करते, ये सेवा करते हैं। जिस दिन हम सेवा के भाव से मोदी केयर को करना शुरू कर देंगे ना, मोदी केयर की गति को सर रोकने वाला दुनिया में कोई नहीं है। एक ही चीज का कमी है, अभी सिर्फ और सिर्फ
हमें खुद तो मजबूत होना है, ये जरूरी है, ये मस्ट है, मस्ट है, लेकिन ये सक्सेस नहीं है, ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है। मजबूत करके फिर लोगों को हम आगे बढ़ा सकते हैं, और सेवा भाव से, बिना किसी कटुता के, बिना किसी चालाकी के, बिना किसी चपलता के। चालाकी करनी है ना, लोगों से नहीं करनी है, अपने काम से करनी है, अपने काम से करनी है। वास्तव में अगर आपको बढ़ाना है ना यार, मैं तो जो मुझसे कहता है कि सर लिस्ट नहीं बन रही, काम नहीं हो रहा और लोग मेरी सुन नहीं रहे, मैं कहता हूँ चलो चलो सड़क के ऊपर, देखता हूँ कितने लोग का। मैं इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता था, लोग कहते लिस्ट बनाओ काम करो, कुछ चीजें मैं नहीं एक्सेप्ट करता हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जैसे ये कहती है मोबाइल देखो क्या हुआ, मैं कहता हूँ हो जाएगा। डायरेक्टर बनना था, मैं आपको सही बता रहा हूँ, कुछ हजार रुपए कम थे, 13-14 हजार रुपए कम थे। मैं यकीन जानो मैंने किसी को फोन नहीं किया। इन्होंने पूछा डायरेक्टरशिप में इतना कम पड़ रहा है, मैंने कहा सुबह देखना हो जाए। सुबह इन्होंने मोबाइल चेक किया, हो गया। अभी प्लेटिनम बनना था, अभी कुछ ही दिन की बात है, 30-40 हजार रुपए कम थे। रात में 6 बजे मुझसे बोलती है मोबाइल देख के, मैंने कहा तुमने मोबाइल चेक किया? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा बंद करो यार, ये काम मेरा है ही नहीं, जिसका है टेंशन उसकी है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? अगर प्लेटिनम अभी होना है, कार फंड अभी आना है, ये तीसरा मंथ था डायरेक्टर प्लेटिनम क्वालिफिकेशन के लिए, ऐसे कार फंड के लिए लगातार 3 महीने चलता है। मैंने कहा यार जिसका काम है उसको करने दो ना, 40 हजार रुपए कम पड़ रहे हैं तो 6 बजे मैं किसको फोन करूं और किससे कह दूं पैसा लगा दो, ये काम मैं नहीं करूं, ये मेरे अगेंस्ट द प्रिंसिपल है, और इस काम को मैं नहीं कर सकता कि 1-1 हजार का सामान खरीदो ना, ये उसका, मैं इस काम के लिए नहीं आया किसी से बोलने के लिए सामान, ये सेवा है। आप किसी को उठा रहे हो, आपको किसी को उठाना है, आपको ना खुद उठने के लिए थोड़ी ना काम किसी को सामान खरीदवाना है, ये सामान खरीदने और खरीदवाने का बिजनेस है ही नहीं, ये सर्विस का बिजनेस है। जिस दिन सेवा भाव से लोग करने लगेंगे और उस दिन वो बिजनेस तो छोड़ दो सर, इतने लोगों का आप कल्याण कर दोगे इस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। यही डिफरेंस है, जब मैं अक्षरधाम गया तब मुझे समझ में आया कि यहाँ क्यों 1200 लोगों का हजूम लगा पड़ा है, और वो 8-8 घंटे नहीं देते, वो 12-13-14 घंटे जितने समय उनको काम करना होता है वो करते हैं, और सेवा भाव से करते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट होती है उनके, कहीं भी कोई तनाव नहीं होता है। तो जिस दिन जिस समय आप लोगों का दर्द समझने लोगों को, मुझे डाउनलाइन कोई फोन करता है कि सर ये ज्वाइनिंग गलत हो गई, मैं अंदर से मुझे आग लग जाती है कि यार अब इसको ठीक कराना ही कराना। आप किसी से बात करोगे तो कहोगे लोगों ने कहा ये तो गलत हो गया, अब ये नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ यार गलती हुई है ना, सिद्धांतों को कभी भी प्रश्न नहीं करना चाहिए, ये सही बात है। अगर क्रिकेट में सबने खेला होगा सर, अगर 3 विकेट होते हैं तो कभी अगर किसी ने सिद्धांतों पे क्वेश्चन कर दिया कि 3 विकेट क्यों है, इसको 6 फिट ऊंचा होना चाहिए, 3 फिट ऊंचा क्यों है, तो सिद्धांतों को प्रश्न नहीं करो, उसको एज इट इज मान लो। प्रोसेस को आप प्रश्न कर सकते हो, प्रोसेस को प्रश्न करना चाहिए। मोदी केयर का सिद्धांत है, अगर शेयर करना है, सेल्फ यूज करना है और स्पॉन्सरिंग करनी है तो सिद्धांत है, इसको मान लो, ये नहीं बदल सकता। लेकिन प्रोसेस में अगर कहीं कोई कमी है तो उसको प्रश्न जरूर करना चाहिए। और मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है जब कोई कहता है कि सर ये गलत हो गया, जब तक मैं उसका सोल्यूशन नहीं करा लेता हूँ मैं बैठ ही नहीं सकता उसको, मैं मतलब बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि किसी का अगर प्रॉब्लम कोई सॉल्व, कितना कठिन से कठिन क्यों ना हो। मैंने इनिशियल स्टेज में आ गया था तो मैंने 2-3 लोगों से पूछा कि ना ये नहीं हो सकता, अरे उसका फर्स्ट स्पॉन्सर है, हमारे 100-150-200 हो सकते हैं, उसका पहला ही गलत हो गया और हम कह रहे हैं कि नहीं ये तो कंपनी का नॉर्म्स ही नहीं है सर, ये तो ऐसे ही होगा ना, क्यों ऐसे होगा, गलती हुई है, अपराध तो नहीं हुआ ना, तो गलती का तो करेक्शन होना चाहिए। और वो होता है, कंपनी करती है, कंपनी सपोर्ट करने को तैयार है, लेकिन हम प्रोसीड ही नहीं करते, इनिशिएट ही नहीं करते। किसी का सेल्फ मोड में लग गया, अब वो तो सर जाके लेना होगा, नहीं क्यों लेना होगा, क्यों लेना होगा। अगर आपका डाउनलाइन है, अगर उसको प्रॉब्लम है, तो हम आराम से कैसे बैठ सकते हैं जब तक उसका समाधान ना कर दें। तो ये सेवा भाव जब तक नहीं आएगा तब तक आप समझ लो कि फिर मोदी केयर के सिस्टम से आउट हो जाओगे। मैं बहुत सारी चीजें हो सकता है सर आप लोग एक्सेप्ट ना करो, लेकिन मुझे बड़ा दर्द हो जाता है कि कोई डाउनलाइन है उसका प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे, मतलब मैं फिर सो नहीं पाता।
मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा अचीवमेंट हो ना हो, लेकिन मुझे इससे फर्क पड़ता है कि अगर किसी का प्रॉब्लम है तो कम से कम सॉल्यूशन होना चाहिए। वो एक प्रोसेस है, कंपनी उसको कर रही है, लेकिन हम अगर इनिशिएटिव नहीं करेंगे तो कैसे कराएंगे। तो ये मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, आप पूरी जान लगा दो, अपने एलओस को तंग कर दो यार, तंग कर दो, सोने मत दो, इतने फोन करो, इतने फोन करो, इतने फोन करो, आप डरना नहीं, मैं तैयार हूं, आपकी सारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, मेरी डाउनलाइन, आप 4 बजे फोन करो, 5 बजे फोन करो, मैं कभी रिएक्ट नहीं होगा। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि सेवा भाव से जिस दिन हम काम करना शुरू कर देंगे तो मोदी केयर हमारे लिए नहीं, इस समाज के लिए बूम बनने जा रहा है सर। मोदी केयर बहुत एक नदी नहीं है, ये नदी नहीं है, ये सुनामी है, सुनामी है, ये उड़ा के ले जाएगी, आप उड़ो तो ठीक, ना उड़ो तो उड़ा के ले जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी ताकत है, ईश्वरीय संरचना है, ईश्वरीय ताकत है। आप देखो अनूप सर जैसे लोग, उन्होंने मुझे क्यों बुलाया मुझे नहीं पता, उत्तम गुप्ता सर और प्रीति मैम ने एक मीटिंग इनिशिएट करी लेडीज की, उन्होंने समझ लो कि आप ये लोग किस लेवल से काम कर रहे हैं आप सोच ही नहीं सकते, मतलब मैं हैरान था प्रीति मैम का डेडिकेशन देख करके, कि वो खुद से उन्होंने यहाँ के लखनऊ टीम का मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, हर फ्राइडे को टेकअप किया और पूरा का पूरा उसको कोऑर्डिनेट किया। आप इनका डेडिकेशन सर सोच पा रहे हो, मतलब किस लेवल का है, इनको क्या जरूरत है, 12 लाख रुपए इनके पास आ रहे हैं, 80 लाख रुपए सुरेखा मैम के पास आ रहे हैं, इनको क्या जरूरत है हमारे लिए सोचने का, इसलिए जरूरत है सर, ये देवदूत हैं, ये हैं, ये आप मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक, सूरज तो निकलना ही निकलना है, ये देवदूत हैं। और इसीलिए मतलब मैं उस दिन से प्रीति मैम का डेडिकेशन देख करके मैं मतलब क्या कहूं, मैं वर्ड में उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं। देवियां हमने सुनी है, देखी नहीं है, लेकिन ये देवी स्वरूप ही है, देवी स्वरूप ही है। सुरेखा मैम देखो, आप उनको मुझसे क्या लेना देना, मुझसे क्या मिलेगा, लेकिन पूरे भारत के लिए वो लगी हुई है। और आप देखो इसी तरीके से जितनी लेडीज हैं आप यहाँ पे, इतने डेडिकेशन से लगी हुई है। मैं इसके बाद नेक्स्ट सेशन देता हूँ, क्योंकि 10-15 मिनट ही बचे होंगे, और बरखा मैम को मैं सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत सम्मान करती हूँ। और 2 लाइन मैं समीर मोदी सर के लिए कहना चाहूंगी, झुक कर सलाम करें उन्हें जिन्हें ऐसे मुकाम आते हैं, बहुत किस्मत वाले होते हैं जो दूसरों के काम आते हैं। हमारे समीर मोदी सर इससे कहीं ऊपर हैं, जो मैंने 2 लाइन कही है मैंने अपनी समझ से कह दी लेकिन वाकई में समीर मोदी सर का जितना शुक्रिया अदा किया जाए, जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना ही कम है। भगवान की उनके ऊपर साक्षात पूरी हाथ है उनके ऊपर, के ऊपर वाला उनको पूरा हाथ अपना दिए हुए है कि तुम्हें मैंने दुनिया में भेजा है, खासकर इंडिया में भेजा है। अब तो हमारा बिजनेस पता चल रहा है कि विदेशों में भी बहुत जल्दी एक्सपेंड कर रहा है, भेजा है कि भारत के हर घर में उनको आजादी लानी है। इसके लिए मैं समीर मोदी सर का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे सारे अप्लायंस, रवीश सर, रोशी मैम, ये रवीश सर तो हम लोग से कई बार मिल चुके हैं और स्टार्टिंग में बहुत बहुत साथ दिया उन्होंने हमारा, और इवन हमारे घर तक आके हमको बिजनेस समझाया। मैं रवीश सर का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे क्या कहते हैं, राजेश गुप्ता सर से हमारी एक बार मुलाकात हुई है, मैम से नहीं हुई है, और क्या कहते हैं अनूप सर से भी मेरी एक बार मुलाकात हुई है, पता नहीं अनूप सर का याद है कि नहीं है। अनूप सर लखनऊ में मवैया में एक के घर आए थे तो मैं अकेली आई थी वहां पर, क्योंकि विभू उस समय दिल्ली गए हुए थे। मैं सर से कह के गई थी कि सर मैं जा रही हूँ, बच्चे अकेले हैं घर में, लेट बहुत हो गया है। सर उस समय लंदन से नया नया घूम के ही आए थे, तो सर बहुत खुश थे उस समय, तो मेरी वो मुलाकात थी अनूप सर से। और अमृता मैम से मेरी फोन पे ही, जूम पे ही मुलाकात हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद अमृता मैम। राकेश सिन्हा सर से मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई है, और सोनाली मैम से भी, बहुत ही अच्छे हैं राकेश सर, मैं सोच नहीं सकती। सच में मैं इस ईश्वरीय परिवार में आके मैं सच कहती हूँ, भगवान ने मुझे जो लौकिक माँ बाप परिवार दिए हैं, सब सासुर दिए हैं, ससुराल दिया है, उसके बाद भगवान ने मुझे इस उम्र में, कमाल हो गया, ये 50+ हो गए, मैं 49 ईयर्स की हो गई हूँ, और मुझे इस उम्र में भगवान ने इतना दिया है, इतना दिया है, इतना प्यार, इतना सम्मान,
कि मैं वाकई में अभिभूत हूँ इस चीज से। मतलब मैं सोच नहीं सकती कि इस उम्र में आके कोई किसी को ये सब मिलता है। और वाकई में ईश्वर ने परिवार के साथ साथ मुझे दो बच्चे इतने प्यारी लड़कियां दी हैं। मैं सोच मेरे बच्चे हम लोग की चेहरा देख के समझ जाते हैं कि मेरी मम्मी थक गई है, मेरे पापा थक गए हैं, मेरी सास ये समझ जाती है कि बरखा थकी हुई आई है, तो बेचारी वो घर पे सब कुछ तैयार रखती है। मतलब मैं सोच सकती हूँ, मेरा दिल भर आता है उन लोगों के लिए जब मैं सोचती हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। भगवान मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने हमेशा मुझे बहुत खुश रखा, कम था तो भी और अब है तो भी, और अब और भी दोगे तो भी। मैं सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ, सारे मेरे त्रिदेव सर, तीनों मैम, राकेश सिन्हा सर, जितेंद्र सर, जितेंद्र से भी मेरी कई बार मुलाकात हो चुकी है, अब फोन भी सबका आता है, रणधीर कपूर सर, अस्मिता मैम, सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत मैं तहे दिल से सबका सम्मान करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ।